हाय एवरीवन कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कितनी तेज़ी से कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है और ऐसे में ही एक बहुत पॉपुलर कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट है स्नेल म्यूसिन जो काफ़ी सब लोग यूज़ कर रहे हैं और मेरे काफ़ी पेशेंट्स यूज करते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ट्राई करूँ और काफ़ी पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि हम स्नेल uh, म्यूसिन को उनके स्किन के रूटीन में इनकॉपरेट करें तो देखते हैं कि स्नेल म्यूसिन कैसा प्रोडक्ट है आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है क्या इसके फ़ायदे हैं और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो स्नेल म्यूसिन uh, बना है स्नेल्स के म्यूकस से तो स्नेल्स को एक डार्क क्वाइट रूम में छोड़ दिया जाता है और फिर जो म्यूकस स्नेल सिक्रीट करते हैं उससे स्नेल म्यूसिन प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इसमें इनके सिरम्स होते हैं क्रीम्स होती हैं और इनमें मेन इन्ग्रीडियंट स्नेल्स का म्यूकस होता है तो अब देखते हैं कि स्नेल म्यूसिन पार एसेंस के क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं इसमें है 96.3 परसेंट स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट जो कि स्नेल म्यूकस है बेसिकली और साथ में है सोडियम हाइड्रोनेट, एलमटोइन आर्जिनिन तो इसके बहुत अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट जो 96.3 परसेंट एक्चुअली में है इस सिरम में उसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं तो इस एसेंस में है प्रोटियोग्लाइकन्स ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स और आ, इसमें है पेप्टाइड्स इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है इसमें कॉपर पेप्टाइड्स हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं तो ये सारे इसके इंग्रीडियंट्स हैं आ, स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट के तो आ, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छे इन्ग्रीडियंट्स हैं और स्किन की बैरियर रिपेयर के लिए डैमेज स्किन को हील करने के लिए स्किन की हाइड्रेशन के लिए इलास्टिसिटी के लिए ये बहुत अच्छे हैं तो स्किन में अगर ड्राई पैचेस हैं और स्किन uh, डैमेज uh, है अगर स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि बहुत हाइड्रेटिंग है बहुत मॉइस्चराइजिंग है ये प्रोडक्ट और uh, ये बहुत अच्छा है कि स्किन का वाटर लॉस होने नहीं देता स्किन के वाटर लेवल्स को मेनटेन करने के लिए स्किन की हाइड्रेशन इलास्टिसिटी को मैंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्किन के रूटीन के लिए तो अब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और टेक्स्चर कैसा है तो स्नेल म्यूसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग और बहुत आसानी से स्प्रेड हो रहा है टेक्स्चर बहुत अच्छा है बहुत स्मूद है और हर तरह की स्किन के लिए ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा रहेगा और बहुत आसानी से ये एब्जॉर्ब हो रहा है अब कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले नंबर वन ये प्रोडक्ट एक प्रोटीन से बना है स्नेल म्यूकस प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन से एलर्जीज बहुत अनकॉमन भी नहीं हैं तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले इसका पैच टेस्ट कर लें तो आप इसको अपने फोर आर्म पर यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं जिनको एलर्जी है उनको रेडनेस इरिटेशन रैशेस इस प्रोडक्ट से हो सकते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात ये क्लेम करते हैं कि स्नेल म्यूसिन बनाते समय स्नेल्स को कोई हार्म कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि स्नेल म्यूसिन पार एसेंस एक अच्छा प्रोडक्ट है स्किन की हाइड्रेशन के लिए स्किन की इलास्टिसिटी के लिए स्किन का बैरियर रिपेयर करने के लिए लेकिन आ, हमारी इंडियन स्किन में कुछ और आ, आ, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है फाइन लाइनजर रिंकल्स ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन ये मैंटेनेंस के लिए अच्छा रहेगा आप अपने एक अच्छे स्किन के रूटीन में इसको ज़रूर इनकॉपरेट कर सकते हैं लेकिन अगर पिम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं या पिगमेंटेशन है डलनेस है फाइन लाइंस हैं, ओपन पोर्स हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे और इन पर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन में या बहुत ज्यादा एक्ने में ये प्रोडक्ट कोई एडेड एडवांटेज नहीं करेगा ये सिर्फ एक स्टेप हो सकता है स्किन के रूटीन में लेकिन हम अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस प्रोडक्ट पर रिलाई नहीं कर सकते आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं हमारा यूट्यूब हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और डी एम सी ट्राइकोलॉजी